हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, नीट एग्जाम को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर मेंशन होते हुए देख भी रहे होंगे कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो अग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं कि जो नीट का एग्जाम है वो फिर से कंडक्ट कराया जाएगा। और कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा, किस किन स्टूडेंट का कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान के जो श्रीनगर सेंटर पे जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे, जिनका भी सेंटर श्रीनगर पड़ा हुआ था, तो उनका री एग्जाम होगा, फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट थे, जिन लोगों का सेंटर गया हुआ, तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पेपर मिक्सअप को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद क्या फोटोकॉपीड OMR सीट भी प्रोवाइड की गई, और तो इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई, बच्चों का एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ। तो सभी बच्चे, बहुत ही अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अच्छा से कंडक्ट नहीं हुआ, फ्यूचर का सवाल है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है कि ये स्टूडेंट फिर से अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो अपना फिर से तैयारी आप कर लीजिए एक बार अच्छे से। अभी आपके पास कुछ टाइम भी है, क्योंकि अभी टाइम एकदम डेट जो है वो फिक्स नहीं की गई है, ना ही निकल के आई। यहाँ आप देख भी सकते हैं, एक बच्चे ने कमेंट करके बोला भी था कि श्रीनगर सेंटर में उनका सेंटर था, यानी एग्जाम कंडक्ट हुआ था नीट का, और उसके बाद इंग्लिश मीडियम से उनको पेपर तो प्रोवाइड किया गया था, लेकिन 4:30 पर मिला, और कुछ पेपर मेरा करने वाला रह गया था, मेरे को बाद में खुली हुई सील वाला क्वेश्चन पेपर और एक OMR सीट जिसकी किसी और स्टूडेंट का नेम मेंशन था, किसी और स्टूडेंट का नेम मेंशन था, और फिर फोटोकॉपी हुई OMR लाके दे दी, जो बिल्कुल वैलिड नहीं थी। यानी ऐसा भी बच्चों के साथ हुआ है कि खुली हुई सील की OMR कॉपी पकड़ा दी गई है, टेस्ट पेपर पकड़ा दिया गया है, और फोटोकॉपी वाली OMR सीट पकड़ा दी गई है। तो ये भी कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई, तो इस बच्चे के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि नीट का एग्जाम अब दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। आगे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट इसके रिगार्डिंग मुझे मिलती है, तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू।